गिलोय, गिलोय जोड़ों के दर्द के लिए, डायबिटीज़ के लिए, ओबेसिटी के लिए, प्लेटलेट्स को बढ़ाने के लिए, हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए, ब्लड के सर्कुलेशन के लिए, TLC, DLC, WBC, RBC, प्लेटलेट्स, जितने भी ब्लड के कंपोनेंट्स हैं उनको बैलेंस करने के लिए, चिकनगुनिया डेंगू के लिए, इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए। जैसे किसी किसी का बॉडी का इम्यून सिस्टम उसको सपोर्ट नहीं करता है, उसके लिए ज़बरदस्त है गिलोय। कोई बार बार सर्दी जुकाम बुखार बीमार पड़ते रहते हैं, ज़रा सी सर्दी लगी, ज़रा सी गर्मी लगी, ज़रा सी कोई भी प्रतिकूलता आई, बॉडी तुरंत रिएक्ट करती है, इसको कहते हैं लो इम्यूनिटी। तो अब देखिए अर्थराइटिस के साथ कितने लाभ हैं इसके। तो गिलोय पीजिए। मैंने सामान्य जोड़ों के दर्द से लेकर के, कई बार मैंने अपना भी एग्जाम्पल दिया, 5-7 चीज़ों को मैंने खुद बचपन से फेस किया, पैरालिसिस को मैंने बचपन से फेस किया, दांतों की समस्या जेनेटिकली मुझे हो गई थी क्योंकि माँ के दांत और मसूड़े कमज़ोर थे, माँ अभी भी जीवित है जिस माँ ने जन्म दिया, जीवन दिया, संस्कार दिए, दृष्टि थी जीवन की, और उनके तप त्याग तपस्या से आज हम यहाँ तक पहुँचे। लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स जेनेटिक होती हैं। मैंने हमेशा कहा है कि बीमारियों के तीन बड़े कारण होते हैं, एक जेनेटिक जिसको हम शास्त्र में प्रारब्ध कहते हैं, एक बाहर का एनवायरनमेंट, और दूसरा जो है हमारी अपनी दिनचर्या, हमारी अपनी लाइफस्टाइल, ज़िंदगी को कितनी संजीदगी जागरूकता के साथ हम जीते हैं। तो अपनी लाइफस्टाइल, जेनेटिक रीजंस और एनवायरमेंटल रीजंस, इन्वायरमेंट बोलो, बाहर के कुछ भी कारण हैं उसके अंदर, चाहे पोल्यूशन है, चाहे बैक्टीरिया है, चाहे वायरस है, जो भी खान पान है जैसा उपलब्ध है उसका, खैर किसी भी कारण से, मैं आपको फिर बहुत गंभीरता पूर्वक कह रहा हूँ कि मैं जब 8-9 साल का था तब से मुझे जो है वात का प्रभाव था शरीर में, और मेरी प्रकृति अभी भी वात और पित्त वाली प्रकृति है।